सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। माय नेम इज अंकित शर्मा एंड आई एम योर मेंटर फॉर लॉजिकल रीजनिंग। इन दिस राउंड ऑफ कंसेप्ट टॉक वी आर गोइंग टू सॉल्व स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस ऑफ द फॉर्म ऑफ डाइस। पर्टिकुलरली हम फोकस करेंगे ओपन फॉर्म ऑफ डाइस पर कि कैसे उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करें। वी विल सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस एंड देन देयर विल बी वन क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ होमवर्क। तो चलिए लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। सो हियर वी गो। सो फ्रेंड्स, इन दिस सेशन व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न, इस सेशन में आप सीखने जा रहे हैं हाउ टू फाइंड द ऑपोजिट फेस इन अ डाइस। आपको डाइस के दो या तीन इमेजेस गिवन होंगे और आपको बताना होगा कि एक पर्टिकुलर फेस के ऑपोजिट क्या होगा, या आपको एक ओपन फॉर्म ऑफ डाइस मिलेगा एंड देन आपको इमेजिन करना है कि उसको जब फोल्ड करके वापस से डाइस बनाएंगे तो एक फेस के ऑपोजिट क्या मिलेगा। ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू थिंक। तो देखो, ये टॉपिक जिन बच्चों का इमेजिनेशन, 3D विजुअलाइजेशन ये बहुत क्लियर है, इंटरेस्ट है जिन बच्चों का, उनके लिए तो ये टॉपिक बिल्कुल गेम की तरह है, कुछ है ही नहीं। बट नॉट एवरी वन इज सेम। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं कुछ शॉर्टकट्स, कुछ ट्रिक्स, कुछ टिप्स बताऊंगा। सो हैव अ लुक एट दिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड हियर वी गो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, फोर पोजिशंस ऑफ द सेम डाइस आर गिवन, सेलेक्ट द नंबर दैट विल बी ऑन द फेस ऑपोजिट टू द वन शोइंग थ्री। थ्री के ऑपोजिट पूछा जा रहा है, थ्री के ऑपोजिट पूछा जा रहा है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर समझाता हूँ। ठीक है, हैव अ लुक एट दिस। आप एक ही डाइस की चार इमेजेस गिवन है, आप किन्हीं भी दो से आंसर निकाल सकते हो, किन्हीं भी दो से। ओके, नाउ प्लीज लिसन टू दिस प्रॉपर्टी वेरी केयरफुली। इफ टू और मोर पोजिशंस ऑफ द सेम डाइस आर गिवन, आई रिपीट, इफ टू और मोर पोजिशंस ऑफ द सेम डाइस आर गिवन एंड दे हैव एग्जैक्टली वन कॉमन फेस, इफ दे हैव एग्जैक्टली वन कॉमन फेस वी कैन डिटरमाइन ऑल द थ्री पेयर ऑफ ऑपोजिट फेसेस। कैसे, आइए देखते हैं। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि जैसे कि आपको यहाँ पे 3, 2, 4 है एंड यहाँ पे 3, 6, 1 है, तो आप इन दोनों में देख लीजिए, इन द फिगर 1 एंड इन द फिगर 3। ओके, तो अब अगर आप इन दोनों में देखोगे, यू हैव ओनली वन फेस कॉमन एंड दैट इज 3, दैट इज 3। सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द कॉमन फेस दैट इज 3 एंड देन स्टार्ट मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन बोथ ऑफ देम। तो अगेन आई विल रिपीट, इफ टू और मोर पोजिशंस ऑफ द सेम डाइस आर गिवन एंड दे हैव एग्जैक्टली वन कॉमन फेस देन वी कैन फाइंड आउट ऑल द थ्री पेयर ऑफ ऑपोजिट फेसेस। आप देखिए, ये एक ही डाइस के अलग अलग इमेजेस गिवन है, आप इन दोनों इमेजेस में देखिए, केवल एक ही फेस कॉमन है वो है 3, केवल एक ही फेस कॉमन है वो है 3। और अब उस 3 से आप क्लॉकवाइज जाइए, जब आप इस 3 से क्लॉकवाइज जाएंगे तो 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 2 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा एंड 4 के बाद 2 आएगा। एंड यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 3 से स्टार्ट करना है, 3 के बाद 6 आएगा क्लॉकवाइज एंड 6 के बाद 1 आएगा। तो जब आप इसको देखोगे ना, तो डायरेक्टली अब जो आप देख रहे हो वो ऑपोजिट फेसेस ही हैं। 2 का ऑपोजिट 1 है, 4 का ऑपोजिट 6 है एंड 3 का ऑपोजिट अब क्या हो सकता था, एज पर द अवेलेबल ऑप्शन इट इज 5। और इसीलिए 3 का ऑपोजिट इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो इट विल बी ऑप्शन नंबर ए दैट इज 5, ऑप्शन नंबर ए दैट इज 5। अब आप कहोगे सर और किसी तरीके से बताओ, तो और किसी तरीके से भी बता सकते हैं, इसमें कुछ रटना है ही नहीं। आप इन दोनों इमेजेस में देख लो, जब आप इन दोनों इमेजेस में देखोगे, अगेन यू हैव द सेम कॉमन फेस दैट इज 3, अगेन यू हैव द सेम कॉमन फेस दैट इज 3, तो आप 3 से ही स्टार्ट करोगे, ये बहुत ज़रूरी है। देन यू हैव द ऑप्शन, आप दोनों में ही क्लॉकवाइज चले जाओ जैसा कि मैंने अभी किया, या दोनों में एंटी क्लॉकवाइज चले जाओ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो आप एक ही चीज एकदम पकड़ के चलो कि दोनों में से कॉमन फेस स्टार्ट करना है, ठीक है, जो कि 3 है एंड देन दोनों में क्लॉकवाइज जाना है। तो 3 से स्टार्ट करना है, क्लॉकवाइज जाओगे 3 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 6 आएगा, और यहाँ पे 3 से स्टार्ट करोगे क्लॉकवाइज जाओगे 3 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 4 आएगा। और अब अगर आप देखोगे तो 6 का ऑपोजिट 4 देखो यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा था, 2 का ऑपोजिट 1 यहाँ भी था, यहाँ भी है, और 3 का ऑपोजिट अब क्या बचा था, क्या हो सकता था, 5, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था। तो इस तरह से आप इसका आंसर करेंगे। ऑलराइट, तो अब इसी को आगे और इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि आप इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाए। ओके, सो हियर वी गो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, आपसे बोला जा रहा है कि ऑपोजिट टू 4 बता दो। क्या कहा जा रहा है, 4 पोजिशंस ऑफ अ क्यूब आर गिवन, बेस्ड ऑन देम फाइंड आउट विच नंबर इज फाउंड ऑपोजिट टू द नंबर 4, ऑपोजिट टू द नंबर 4, ये आपको बताना है। अब ध्यान से देखो,
आपको मैं यहाँ पर एक दो तरह से आंसर करके दिखाऊंगा, दो तरीके से। मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, क्या बताया था? इफ टू और मोर पोजिशंस ऑफ द सेम डाइस आर गिवन, इफ टू और मोर पोजिशंस ऑफ द सेम डाइस आर गिवन एंड देव एग्जैक्टली वन कॉमन फेस, इफ देव एग्जैक्टली वन कॉमन फेस देन वी कैन डिटरमाइन ऑल द थ्री पेयर ऑफ अपोजिट फेसेस। इसका यूज करते हैं। अब जब इसका यूज करोगे तो आप इन दोनों में देखो, इन दोनों में एक ही कॉमन फेस है, दैट इज थ्री। इन दोनों में एक ही कॉमन फेस है, दैट इज थ्री। तो उस थ्री से स्टार्ट करो, उस थ्री से स्टार्ट करो एंड अब दोनों में क्लॉक वाइज चले जाओ, थ्री के बाद सिक्स, सिक्स के बाद फाइव, और यहाँ पे थ्री से स्टार्ट करके थ्री के बाद टू एंड टू के बाद वन। तो फाइव के ऑपोजिट वन होगा, सिक्स के ऑपोजिट टू होगा एंड थ्री के ऑपोजिट फोर होगा। एंड नाउ विच नंबर इज फाउंड ऑपोजिट टू फोर? ऑपोजिट टू फोर विच नंबर? इट्स थ्री। एंड देयरफॉर द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज थ्री। इट्स ऑप्शन नंबर सी, दैट इज थ्री। ये एक तरीका है। एक और तरीके से बताता हूँ। देखो, वन मेथड इज वेरी क्लियर। अब आपसे ये कहा जा रहा था कि ऑपोजिट टू फोर बताना है, ठीक है? आप इन दोनों फिगर में देखो, ओके, सी काइंडली पे अटेंशन टू दीज टू फिगर्स। अब एक और प्रॉपर्टी आप सुन लीजिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। इफ टू और मोर पोजिशंस ऑफ द सेम डाइस आर गिवन एंड इफ दे हैव एग्जैक्टली टू कॉमन फेसेस, इस बार एग्जैक्टली टू कॉमन फेसेस है। सो इफ टू और मोर पोजिशंस ऑफ द सेम डाइस आर गिवन एंड दे हैव एग्जैक्टली टू कॉमन फेस देन वी कैन ओनली डिटरमाइन वन पेयर ऑफ ऑपोजिट फेस, देन वी कैन ओनली डिटरमाइन वन पेयर ऑफ ऑपोजिट फेस। तो आप इन दोनों में देखो, दीज आर टू इमेजेस ऑफ द सेम डाइस एंड देर आर टू फेसेस विच आर कॉमन, टू फेसेस विच आर कॉमन। तो हम सारे पेयर ऑफ, ऑल द थ्री पेयर हम नहीं बता पाएंगे, हाँ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट फेस बता पाएंगे, और वो कौन होंगे? द अनकॉमन फेसेस, द अनकॉमन फेसेस फोर एंड थ्री, फोर एंड थ्री आर ऑपोजिट। तो ये एक दूसरी प्रॉपर्टी है विच सेज इफ टू और मोर इमेजेस ऑफ द सेम डाइस आर गिवन एंड देयर एग्जैक्टली टू कॉमन फेसेस, जैसे यहाँ 1616 है तो अनकॉमन फेसेस फोर एंड थ्री वुड बी ऑपोजिट, और वही चीज आपको यहाँ दिख रही है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। अब आप कर पाएंगे इसको। तो चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे स्पीड बढ़ाते हैं। अब आपके ऊपर है कि आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज करना चाहते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी आपके माइंड में उस समय तुरंत क्लिक करती है, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। अब क्या कहा जा रहा है? थ्री पोजिशंस ऑफ अ क्यूब आर गिवन, व्हाट विल बी कमिंग ऑपोजिट टू द फेस कंटेनिंग वन? वन के ऑपोजिट क्या है? अब आप जब वन के ऑपोजिट आप देखना चाहोगे तो क्या होगा? अगर आप इन दोनों को देखोगे, इन दोनों को, तो अभी भी टू फेसेस कॉमन वाली प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस की थी, दैट इफ टू और मोर इमेजेस ऑफ द सेम डाइस आर गिवन एंड दे हैव एग्जैक्टली टू कॉमन फेसेस, एंड दे हैव एग्जैक्टली टू कॉमन फेसेस देन द अनकॉमन फेसेस वन एंड टू विल बी ऑपोजिट, द अनकॉमन फेसेस वन एंड टू विल बी ऑपोजिट। आप इस तरह से आंसर निकाल लेंगे। अगर ऐसे नहीं निकालना है, अगर ऐसे नहीं निकालना है तो और भी तरीके हैं। और तरीका क्या है, आइए देखते हैं। आप इन दोनों से कर लीजिए, दोनों में एक ही कॉमन फेस है, दैट इज सिक्स। दोनों में एक ही कॉमन फेस है, दैट इज सिक्स। तो आप सिक्स से ही स्टार्ट करो, आप सिक्स से ही स्टार्ट करो एंड दोनों में क्लॉकवाइज जाओ। जब क्लॉकवाइज जाओगे, यहाँ सिक्स के बाद फोर आएगा, फोर के बाद टू आएगा, यहाँ क्लॉकवाइज जाओगे तो सिक्स के बाद फाइव आएगा, फाइव के बाद वन आएगा। एंड देन अब आप देखोगे तो टू का अपोजिट वन, फोर का अपोजिट फाइव, सिक्स का अपोजिट एज पर द ऑप्शन थ्री ही हो सकता था। तो देखो, वन का अपोजिट टू ही तो आ रहा है, वन का अपोजिट टू ही आ रहा है, वही हमारा पहले भी आंसर ऑप्शन नंबर है। तो आप अलग अलग तरीके से करते जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आता है और कुछ अंतर नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है जिसको मैंने रेफर किया था स्टार्टिंग में ओपन फॉर्म ऑफ डाइस कह के। ये एक ओपन फॉर्म ऑफ डाइस है, डाइस को कटिंग करके ओपन किया गया है और अब आपसे कहा जा रहा है, क्वेश्चन चाहता है फिर से उनको फोल्ड करके एक डाइस बना दो, फिर से उनको फोल्ड करके एक क्यूब बना दो, अब क्या करेंगे? नाउ व्हाट इज टू बी डन? तो आइए देखते हैं। तो जब भी एक इस तरह के डाइस को फोल्ड करके दोबारा से एक डाइस बनाओगे तो द फेसेस एट गैप ऑफ वन आर ऑपोजिट। एक एक आप स्किप करते जाओगे, द ऑल्टरनेटिंग फेसेस, द फेसेस एट गैप ऑफ वन आर ऑपोजिट। जैसे जैसे सिक्स एक स्किप करके फोर आएगा, सिक्स एक स्किप करके फोर आएगा तो डायरेक्टली आप देखोगे सिक्स का ऑपोजिट इज फोर। फाइव से एक गैप करके स्किप करके थ्री आएगा तो डायरेक्टली फाइव के ऑपोजिट इज थ्री। एंड टू से एक स्किप करके एक गैप पर वन आएगा तो टू के ऑपोजिट इज वन। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इफ फोर इज पुट ऑन द टॉप व्हाट विल बी एट द बॉटम, इफ फोर इज पुट ऑन द टॉप व्हाट विल बी एट द बॉटम, इट्स ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सिक्स। आई रिपीट, जब भी
जब भी एक इस तरह का डाइस आएगा जो कि ओपन फॉर्मेट में है, तो द ऑल्टरनेटिंग फेसेस विल बी ऑपोजिट टू ईच अदर। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। ठीक है, एंड डाइस इसी तरह का हो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, आपके पास डाइस ऐसा भी आ सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैंने एक ऐसा डाइस आपको दे दिया, ओके, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, और मैंने कहा अब इसको फोल्ड करना है, तो इसमें भी सेम वही प्रॉपर्टी है। वन का एक स्किप करके आओ यहाँ से, वन से ऑल्टरनेटिंग थ्री, तो वन का ऑपोजिट थ्री, टू से स्किप करके आओ फोर, तो टू का ऑपोजिट फोर, एंड अब देन सिक्स का ऑपोजिट क्या हो सकता था, फाइव, तो सिक्स का ऑपोजिट फाइव। ऑलराइट, आई होप आई एम वेरी क्लियर, फाइन एवरीबॉडी। सो विद दिस इवन दिस कंसेप्ट इज डिस्कस्ड। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को करें, काइंडली सॉल्व दिस वन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, इनफैक्ट इट्स वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस जो अभी तक आपने देखा है। ठीक है, ट्राई करिए। आपको क्या करना है, पॉज कर दीजिए, सॉल्व करिए, देन देखिए कि जिस तरह से आप कर रहे हो, जैसा मैं कर रहा हूँ, वो सेम है क्या। ये एक डाइस है, ये ओपन फॉर्म ऑफ डाइस है, इसको फोल्ड करोगे तो फिर से वही प्रॉपर्टी कि सिक्स का ऑल्टरनेटिंग फेस, एक स्किप करके फोर है तो सिक्स का ऑपोजिट फोर होगा, एंड जब सिक्स का ऑपोजिट फोर है तो दोनों ऑपोजिट फेसेस एक साथ दिख ही नहीं सकते। सो ड्यू टू दिस रीजन दिस कैन नॉट बी द डाइस विच इज फॉर्म्ड आफ्टर दे आर फोल्डेड टू फॉर्म अ क्यूब, इसीलिए ये तो नहीं होगा। और देखते हैं, लेट अस सी द नेक्स्ट वन। अब आप ऑल्टरनेटिंग फेस की प्रॉपर्टी से आप देखेंगे, जब आप ऑल्टरनेटिंग फेस की प्रॉपर्टी से देखेंगे तो थ्री का ऑपोजिट फाइव है, बिकॉज थ्री का ऑपोजिट फाइव है तो ये दोनों भी, बिकॉज ये ऑपोजिट फेस है, एक साथ नहीं दिख सकते, तो ये भी नहीं होगा। एंड अब जो बच गए वन एंड टू, ये भी तो ऑपोजिट होंगे, एंड बिकॉज ये वन एंड टू ऑपोजिट है तो ये भी एक साथ नहीं दिख सकते। सो अब एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ऑलराइट, तो आपको समझना होगा कि एक सही डाइस वो होगा जिसमें दो ऑपोजिट फेसेस में से एनी वन, इन दोनों अपोजिट फेसेस में से भी एनी वन, एंड इन दोनों अपोजिट फेसेस में से भी एनी वन, कोई एक एक करके होगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक, इन दोनों में से कोई एक, इन दोनों में से कोई एक। आई होप आई एम वेरी क्लियर, फाइन। तो चलिए अब आते हैं टू द फाइनल पार्ट, एंड द फाइनल पार्ट इज एज फॉलोइंग। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें एंड इसका आंसर कॉमेंट बॉक्स पर लिखें। सो डू सॉल्व द क्वेश्चन, ओके, कि जब इसको आप फोल्ड करोगे तो इनमें से कौन सा बनेगा या कितने बनेंगे, एंड प्लीज आंसर इट एट द कॉमेंट बॉक्स। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू योर कॉमेंट्स। ओके, सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।